हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये ड्रेस हम गोटा फ्लावर और फोम फ्लावर को आपस में कंबाइन करके बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज ही हम बसंत पंचमी के लिए रेडी कर रहे हैं इस ड्रेस को, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है। पिंक, येलो, व्हाइट, ये जो है मेन कलर्स होते हैं, तो आज हम पिंक कलर में इसको बनाएंगे। तो पिंक कलर के क्लोथ से मैंने इस तरीके का एक सर्कल काट लिया और इसके हिसाब से मैंने फोम भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे डेकोरेशन के लिए हम यूज करेंगे गोल्डन कलर के गोटा फ्लावर्स। फ्लावर्स हम यूज करेंगे फोम के, जो भी हमने तीन कलर्स में लिए हैं। एक ही एकदम लाइट पिंक का शेड है और ये शेड है ये थोड़ा सा डार्क है एंड व्हाइट। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो फोम है इसके कॉर्नर्स पे मैं फेविकॉल लगाऊंगी और उसके बाद इस क्लोथ को हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो अब हम इसके सेंटर से एक सर्कल कट कर लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी दिखाया है। पहले इसको ऐसे हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से एक और हाफ में फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से एक गोला कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सेंटर से हमने एक गोला कट कर लिया और आगे से हमने एक कट भी दे दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं ग्लूगन के थ्रू गोटा फ्लावर्स को पेस्ट करूंगी। देखिए, यहाँ पे हम गोल्डन कलर के जो है गोटा फ्लावर्स को पेस्ट कर रहे हैं और फिर हम इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जो मैंने आपको शुरू में फोम फ्लावर शो किए थे, वो पेस्ट कर देंगे। गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कान्हा जी से जुड़ी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं। तो देखिए, यहाँ पे गोटा फ्लावर्स को पेस्ट करने के बाद अब हम फोम के फ्लावर्स को पेस्ट करेंगे। इनको किस तरीके से मैं पेस्ट करूंगी, सबसे पहले जो हमारा पिंक में डार्क शेड है रोज पिंक, मैं उसको पेस्ट करूंगी। इसी के नियर बाय हम अपना लाइट पिंक का जो शेड है वो पेस्ट करेंगे एंड इसके बाद व्हाइट। इसी कॉम्बो में हमें पूरे ड्रेस को डेकोरेट करना है। गाइज, इस तरीके की ड्रेसेस अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो अराउंड 300, 400, 200 इसी तरीके से इनके प्राइजेस होते हैं। बट घर पे भी आप इस तरीके की ड्रेसेस को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए। मेरे चैनल पे हैवी ड्रेसेस के बहुत सारे ट्यूटोरियल है, मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से सभी फोम के फ्लावर्स को हमने पेस्ट कर लिया है। घेरा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब जो ये इसके कट वाले हिस्से हैं, यहाँ पे भी मैं फोम फ्लावर्स लगाने वाली हूँ। तो मैं इस पोर्शन से शुरू कर रही हूँ। जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन जो है सेट किया था कि डार्क जो रोज पिंक है उसके पास हम लाइट पिंक का शेड लगाएंगे, वही चीज यहाँ पे भी फॉलो करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से फोम के फ्लावर लगा लिए हैं और ये घेरा बन के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए जिस कलर का हमने बेस लिया था घेरे में, जिस कलर का हमने बेस लिया था, ठीक उसी तरीके की इस तरीके की हमने पट्टियां कट कर ली है। ये मेरे पास बुकरम है जिसके ऊपर मैं इनको पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चोली के जो दो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनको बना के रेडी कर लिया है। बुकरम की पट्टी के ऊपर हमने इस तरीके से क्लोथ को पेस्ट किया, साइड में हमने गोटा लगा दिया है। तो सबसे पहले हम इनको वी शेप में आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जैसा हम हर ड्रेस में करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लू गन लगाई और अब मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ। आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज करती हूँ, आप इसको स्टिच करके भी बना सकते हैं। तो अब हम इन स्लीव्स को घेरे के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमने चोली को भी अटैच कर लिया है और साथ में फोम फ्लावर भी हमने दो जो है लाइट पिंक लगाए हैं चोली के ऊपर, ताकि ये बहुत ज्यादा खिल के आए और ये सुंदर सी बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत सुंदर बनी है ये ड्रेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कान्हा जी से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए, और जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी टैप करें डेली नोटिफिकेशंस के लिए। एंड बसंत पंचमी के रिलेटेड अगर आप कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कान्हा जी के लिए बहुत सारे ड्रेसेस के ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए, वहां से बहुत सारी ड्रेसेस के आइडियाज आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।